हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को ये बात पता है कि क्यूआ पोर्टल में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है डिजिटली, मतलब ऑनलाइन आप क्यूआ वेबसाइट में जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। अब तक इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन था, जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि क्यूआ पोर्टल में कैसे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन आता है। लेकिन उसके अलावा आगे का प्रोसेस मुझे पता नहीं था, तो इसके लिए मैंने एक ट्रायल किया, अपना कॉन्ट्रैक्ट को खुद ही डिजिटली ऑनलाइन टर्मिनेट किया, ताकि ये देखूं कि आगे का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या क्या होता है, क्या क्या ऑप्शंस आता है, ताकि वो सारी बातें जो मैं देखा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। जब मैंने इसे टर्मिनेट किया कॉन्ट्रैक्ट को, तो बहुत सारे मुझे लगा कि मैंने कुछ गलतियाँ करा है जो बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है वो बता देता हूँ। पहली बात कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे टर्मिनेट करना है डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली, क्यों डिजिटली क्यूआ से आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या इम्पैक्ट्स, इफेक्ट, प्रॉब्लम होंगे। तीसरा, जब आप क्यूआ में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन सबमिट करते हैं तो कौन से ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप गलत ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा, एक बार आप जब सबमिट कर देंगे तो बाकी का प्रोसेस कैसा होगा, कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगा या नहीं जाएगा, और क्या आप अपना नोटिस पीरियड कम कर सकते हैं क्यूआ पोर्टल से ही, क्या ये रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हैं कंपनी वाले के पास, क्या कंपनी वाला इसे एक्सेप्ट कर सकता है। ये सारे बहुत मिक्स इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ एक सीक्वेंस में प्रेजेंट करूंगा। ओके, तो वीडियो को आप पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन होगा वो वैलिड क्वेश्चन हो, ऐसा ना हो कि बीच से आधा अधूरा सवाल आप मुझसे करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आप अपना क्यूआर पोर्टल खोल लीजिए। ओके, गूगल में जाइए, वहाँ पे क्यूआर लॉगिन लिख लीजिए। क्यूआर लॉगिन आप लिखेंगे तो वो आपके स्क्रीन में आ जाएगा। जो पहला ऑप्शन है क्यूआर होम का, उसमें क्लिक कीजिएगा। इसके बाद ऊपर राइट हैंड साइड में साइन इन का ऑप्शन है, वो क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ अरेबिक से इंग्लिश कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना इकामा नंबर पासवर्ड डाल के कंटिन्यू में क्लिक कर लीजिए। ओके, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा, रजिस्ट्रेशन करके कर लीजिएगा। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक 4 डिजिट का ओटीपी जाएगा, वो इंटर कर लीजिएगा। इसके बाद साइन इन कर लीजिएगा। ओके, जब आप ये काम कर रहे होंगे तो ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आप नेटवर्क क्षेत्र में हो, नहीं तो ओटीपी नहीं आएगा। तो ओटीपी डाल लीजिए, सिंपल लॉगिन का जैसा फॉर्मेलिटी होता है वो कर लीजिए। आपका जो नाम है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आप क्यूआ के होम पेज में आ जाएंगे। होम पेज में आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिखेंगे, आप एम्प्लॉयड हैं, आपके जो भी हैं आईडी नंबर, आपका एज, जेंडर, नेशनलिटी, बाकी सारी चीज़ें आपको दिखेंगे। आप नीचे आइएगा क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट में आप जाइए, फिर आपको एक कन्फर्मेशन कोड पूछेगा, ओटीपी आएगा, उसको एंटर कीजिए। इसके बाद वेरीफाई कीजिए। कई बार ओटीपी नहीं आता है तो पुराना लॉगिन करते समय जो ओटीपी होता है वो आप डाल के ट्राई कर सकते हैं। ओके, ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई कर दीजिए। यहाँ पे मैंने गलत ओटीपी डाला हुआ है, ये मैं जो आपको शो कर रहा हूँ आपके स्क्रीन में, ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है। इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक सीक्वेंस में बता पाऊँ। ओके, तो ओटीपी इंटर करने के बाद आप अपने कॉन्ट्रैक्ट वाले पेज में आ गए हैं, जहाँ पे आपको सारा कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, आपका स्टेटस एक्टिव है और बाकी जो भी आपके कंपनी के डिटेल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स हैं, वो सारे दिखेंगे। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, आप स्क्रॉल नीचे कीजिए। वहाँ पे 2 ऑप्शन होगा, जॉब कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट, जितने भी आपके होंगे, मेरे यहाँ 2 है, तो जिनमें से एक ऑलरेडी पहले ट्रांसफर टर्मिनेट हो चुका था, दूसरा वाला जो एक्टिव है उस पर मैं व्यू में क्लिक करूँगा। व्यू में क्लिक करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा आपको। इसके बाद राइट हैंड साइड ऊपर में आपको दिखेगा टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा आज का टॉपिक है, आप वहां पे क्लिक कीजिएगा। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको दिखेगा कि कितना आपका नोटिस पीरियड है। पहली बात 30 डेज मेरे केस में दिखा रहा था, और
रीजन ऑफ टर्मिनेशन, यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल होके रीजन ऑफ टर्मिनेशन को देखना है। इसमें तीन ऑप्शन आएंगे, एक होएगा रिजिग्नेशन, एक आएगा नॉट विलिंग टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा आएगा टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एज पर प्रोविजनल डील। ओके, ये सारी बातों का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करा है, आप देख लीजिएगा। ओके, तो बाकी यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट करा है वो अनविलिंग टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट करा है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सा सीक्वेंस हो रखा है, तो मैंने यहाँ पे अनविलिंग टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे आई कन्फर्म क्लिक करके सबमिट टर्मिनेशन टिक कर लीजिए उसमें, इसके बाद सबमिट टर्मिनेशन कर लीजिए। मैं एक्सप्लेन करूँगा इन तीनों को और एक बार, ताकि आप लोग भी वो गलतियाँ ना करें जो मैंने करा है यहाँ पे। ऑल्दो मैंने एक ट्रायल करा था, तो अब देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया अनविलिंग टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। ओके, अब आपने तो सबमिट कर दिया, आपको कहीं ना कहीं इसका स्टेटस देखना जरूरी है कि भाई कहाँ पे इसका स्टेटस ऑलरेडी दिखा रहा है, क्योंकि ऊपर देखेंगे तो करंट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है, स्टेटस यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है, लेकिन आपको देखना है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन सबमिट करा है उसका स्टेटस क्या है। उसके लिए आप क्या करेंगे, वहीं पे जाइए जहाँ पे आपने टर्मिनेशन रिक्वेस्ट सबमिट करा था। ओके, और एक मैंने यहाँ पे और एक ट्रायल करा कि मैंने एक बार सबमिट कर दिया है, क्या मैं दोबारा से टर्मिनेशन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक तो कर दिया है। ओके, तो मैंने यही एक प्रयास करा था यहाँ पे, लेकिन उसमें ये बताता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी टर्मिनेट रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया गया है, लेकिन वो अभी तक वैलिड है, तो इसलिए आप नहीं सबमिट कर सकते। वो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या एरर दिखता है। यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन चेक कर लिया, बाकी सारे चीज़ मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं टर्मिनेट करने के बाद मुझे कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई मैसेज आएगा, कुछ नहीं आया, कोई ईमेल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं आया। ओके, आपको यहीं पर अपना स्टेटस चेक करना है। वहाँ पर देखेंगे तो टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट एक है, वहाँ पर देखेंगे तो जो मैंने सबमिट करा वही एक रिक्वेस्ट है। ओके, यहाँ पे टर्मिनेशन स्टेटस में आपको लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर नोटिस पीरियड, और ये लिखा हुआ है रिमेनिंग 69 डेज। यहाँ पे आपको फोकस करना है। ओके, क्या फोकस करना है आपको यहाँ पे, कि आपका जो 69 नोटिस पीरियड यहाँ पे जो रिमेनिंग पीरियड दिखा रहा है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड डेज से दिखा रहा है। मैंने नॉट विलिंग टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर रहा था, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 2 नवंबर को अगर ख़त्म हो रहा है, तो बेशक मैं आज टर्मिनेट करूँ, मेरा उस दिन से काउंट करेगा, जो एंड कॉन्ट्रैक्ट डेट है उस दिन से ड्यूरेशन काउंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई ये तो बहुत लंबा हो गया, तो मैंने अभी ऑप्शन चेंज करके सबमिट करने का कोशिश किया, रिजिग्नेशन ऑप्शन सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे देखिए एक एरर आया है कि आपका जो एक अनफॉर्चुनेटली वी आइडेंटिफाइड ए बिजनेस एरर, और लिखा हुआ है कि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन रिक्वेस्ट है आपके नाम पे, तो आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे आप एक और जरूरी बात कि क्या हम अपना नोटिस पीरियड को कम कर सकते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे जो एक रिक्वेस्ट है जिसमें आप कंपनी वाले को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा नोटिस पीरियड आप कम कर दीजिए। यहाँ पे मैंने एक डेट सेलेक्ट करा, मान लीजिए 9th of October को। ओके, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट रिलीज डेट रिडक्शन, वहाँ पे 64 डेज दिखा रहा था, तो मैंने एक डेट सेलेक्ट करके रिक्वेस्ट सेंड कर दिया कंपनी को रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। इसके बाद फिर से मैं जाके वहाँ पे स्टेटस में देखूंगा, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ओके, उसमें क्या क्या ऑप्शन दिखेंगे कि टर्मिनेशन स्टेटस क्या है, पेंडिंग फॉर नोटिस पीरियड, वेरी गुड। और मैंने एक बार कैंसिल भी करके देखा कि भाई टर्मिनेट कर दिया हूँ तो उसको मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो भी कैंसिल किया, तो उसका भी स्टेटस पेंडिंग है। वो जो कंपनी वाले हैं उसके पास रिक्वेस्ट गया होगा, वो अप्रूव्ड या रिजेक्ट कर सकता है उसको। ठीक है, अब चेंज रिलीज डेट, वो भी मैंने रिक्वेस्ट करा, उसका भी स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग है, जो कि 9th of October है। तो ये एक स्टेटस पेज है जहाँ पे आपको सारे चीज़ें दिखेंगे। आप नोटिस पीरियड कम करने का रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं, जो मैंने डाला आपके सामने, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे। एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया तो उस टर्मिनेशन को आप वापस लेने के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, वो कंपनी वाला उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। बाकी जो टर्मिनेशन का ओवरऑल जो स्टेटस है वो अभी नोटिस पीरियड पर दिखा रहा है।
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्यों डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना जरूरी है, क्योंकि हर चीज आजकल डिजिटली मॉनिटर होता है। आपको एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर भी लेना पड़ेगा एक कंपनी से दूसरे कंपनी, उस समय जब आपका मान लीजिए इकामा वैलिड है, आपको ट्रांसफर लेना है, आपके पास रिक्वेस्ट आया, आपके कंपनी ने भी अगर उसको अप्रूव कर दिया, तो आपका वो जो नोटिस पीरियड है वो दिखाएगा कि नोटिस पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नोटिस पीरियड कंप्लीट कीजिए, इसके बाद जाइए। तो इसीलिए जब आप पेपर रिजिग्नेशन देंगे तो डिजिटली भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना जरूरी है, ओके, ताकि बाकी जब ट्रांसफर करते समय आपको कोई तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो भी मैंने आपको दिखाया, ये प्रैक्टिकल ऑनलाइन प्रोसेस जो मैंने करा है वही दिखाया है, इसमें कोई इफ और बट आप लोगों का नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने शो किया है, एक ट्रायल किया है, पता नहीं मेरे कंपनी वाले ये कैंसिलेशन जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ताकि बाकी लोगों को एक हेल्पफुल हो। लेबर लॉ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो जब तक आप खुद नहीं फेस करेंगे तब तक आपको क्लियर गाइडलाइन नहीं होगा। लोग उस चीज़ को नहीं बताते हैं जिन जो वो फेस करते हैं, पता नहीं क्यों छुपा कर रखते हैं। एनीवे, तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके जो भी लोग हैं, साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी आजू बाजू वाले लोग हैं, उनको एजुकेट कीजिए ये सारी बातों से, ताकि उनको हेल्प हो, और शेयर भी कर लीजिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा अपने हाथों को तकलीफ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि बाकी इस तरह के जो इश्यूज हैं, जो लेबर लॉ से रिलेटेड अपडेट्स हैं, वो सारी बातें आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।